हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार चाइनीज डिश जिसको सब लोग जानते हैं, मोमोज। जो भी इसके लिए हमने लिया है मैदा। मैदे में डाला है थोड़ा सा नमक और तेल, और इसको अच्छे से मोइन कर लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे हम, और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के हम इसका आटा लगा लेंगे अच्छे से, इस तरीके से। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है आपको, एकदम बर्फ़ वाला, जो नॉर्मल फ्रिज में रखा हुआ पानी है वो लेना है आपको। और बस इस तरीके से इसका डो हमने लगा लिया है, और इसको सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी से गूँथा है, इसलिए सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने लिया है सोया चंक्स, और उसको अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। अब चाहे तो मिक्सर के जार में इसको डाल के थोड़ा सा अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डाला है नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि आज हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, तो इस वजह से हमने इसमें सब कुछ ऐसे ही डाला है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा बटर डाला है, कैबेज डाला है बिल्कुल बारीक चॉप करके, और इसमें डाल दिया है कैरेट, वो भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है हम लोगों ने। और इन सबको डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारी सब्जियां और जो सोया चंक्स हैं वो अच्छे से मिल जाए इसमें, और ताकि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने सब्जियां डाली हैं और सोए चंक्स डालें, इस वजह से ये काफ़ी हेल्दी हैं। तो अब आटे का लीजिए ये छोटी छोटी सी लोइयाँ, और लोइयाँ लेके पहले तो हमने सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं छोटी छोटी, और फिर हम उसके बाद इसको जो है बेलेंगे, मतलब रोल करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। और आपको जो है रोल करते समय ये ध्यान रखना है कि आप इसकी जो एजेस हैं, मतलब किनारे हैं, उनको अच्छे से रोल करना है, पतला रोल करना है, ताकि जब हम बाइंडिंग करें तो वो बिल्कुल भी मोटा ना हो जाए। आप रोल इसकी एजेस को जो है मतलब पतला करेंगे ना, तो आपके जो मोमोज बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और एकदम पतले सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि जब हम इसको मोड़ते हैं ना तो काफ़ी फोल्ड होता है, तो इस वजह से ये मोटा हो जाता है। तो इस वजह से पहले इसके किनारों को अच्छे से पतला कर लेना है आपको, बेलन की मदद से रोल कर लेना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फिर हमने इसमें फिलिंग भरी है, और फिलिंग भरने के बाद आप कोई भी मोमोज की शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो बनाना वैसे बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने इसको ऐसे थोड़े थोड़े से चुन्नट बनाते हुए, प्लेट बनाते हुए इसको अच्छे से मोड़ लिया है, और बाकी जो बचे हैं वो इसमें ला के मिला दिए हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप बन के तैयार हो गई है हमारी, बिल्कुल ईजी एंड परफेक्ट। अब चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, वरना ऐसे भी रख सकते हैं। तो बस स्टीमर पे हमने रखी है छन्नी, और इस छन्नी पे हमने थोड़ा सा तेल डाला है, ताकि हमारे जो मोमोज हैं वो चिपके नहीं, और तेल को अच्छे से फैला लेना है छन्नी से, और जितने भी मोमोज हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे अच्छे से। बस हमारे मोमोज जो हैं वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। आज हम ये दोनों तरीके से मोमोज बनाएंगे, थोड़े से स्टीम करेंगे और थोड़े से हम करेंगे फ्राई। तो ये स्टीमर पे हमने इसको रख दिया है, और अच्छे से स्टीम होने देते हैं, और स्टीम होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम आधे मोमोज को ऐसे रखेंगे और आधों को कर लेंगे फ्राई। तो तेल इसके लिए गर्म किया है, और अच्छे से
इसको क्रिस्पी होने तक हम लोगों ने कर लिया है फ्राई। ये फ्राई वाले मोमोज भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। और इसके बाद आपको ले लेनी है कोई भी चटनी, आप चाहे तो टमाटर की चटनी बना सकते हैं या फिर किसी और चटनी से भी खा सकते हैं। और बस एंजॉय करिए इस मज़ेदार मोमोज को, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।